हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ध्रुववेद एकेडमी। और आप फिर से विक्रांत सर के साथ हैं। तो चलिए नेम रिएक्शन की सीरीज़ को एक बार और आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हैलोजिनेशन ऑफ इनोलेट के बारे में बात कर लिया था, यानी एक कीटोनों के अल्फा कार्बन पे हैलोजन को अटैच करना है कंट्रोल्ड मैनर में या फिर अनकंट्रोल्ड मैनर में, उन दोनों की बात हमने कर ली थी। अगर बेसिक कंडीशन में डालते हैं तो वो हो सकता है अनकंट्रोल्ड मैनर में आगे बढ़ता चला जाए। अगर अल्फ़ा कार्बन के पास तीन अल्फ़ा हाइड्रोजन है तो तीनों रिप्लेस हो जाए किसी हैलोजन के साथ, एंड देन आफ्टर वो ब्रेक हो जाए और एक एसिड फॉर्म कर दे और एक हैलो फॉर्म, जिसका इस्तेमाल हैलोफॉर्म टेस्ट के लिए हो जाता है। किया था ना? तो फिर हमने देखा था कि कौन से कार्बोनिल हैलोफॉर्म टेस्ट देंगे, कौन से नहीं देंगे, और अल्कोहल भी हैलोफॉर्म टेस्ट देने के लिए मतलब क्या कह सकते हैं, एक्टिव हो सकते हैं यदि वो ऑक्सीडाइज होकर के एल्डिहाइड और कीटोन वैसा फॉर्म करे जिनके पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ हो अल्फ़ा कार्बन पे, मतलब CH3 ग्रुप लगा हुआ हो कार्बोनिल के साथ। तो इसका मतलब, चलिए अब इसी चीज़ को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। आज का टॉपिक जो मैं लेकर के आया हूँ, दैट इज़ कॉल्ड फेवरस्काई रीअरेंजमेंट। क्या नाम है इसका? फेवरस्काई रीअरेंजमेंट। तक तरीके से ही है ना, रीअरेंजमेंट बेस्ड नेम रिएक्शंस हैं। मतलब मैंने बताया था आप लोगों को कार्बोनिल कंपाउंड के इनोलेट फॉर्म बेस्ड नेम रिएक्शंस की स्टोरी हम लोग पढ़ रहे हैं, पर उसमें एक रीअरेंजमेंट भी आ गया है। ऐसे इसको हम रीअरेंजमेंट रिएक्शंस में पढ़ते हैं, पर इसकी जो जड़ें हैं या कह सकते हैं कनेक्टिविटी हैं वो इन्हीं के साथ हैं, तो हम क्यों उनको अलग से पढ़ें, यहीं सीरीज में इसको ख़त्म कर लेते हैं। तो सुनो, समझना इस बात को। तो पहली बात, कनेक्टिविटी कॉमन रखनी पड़ेगी। या अभी इनोलेट केमिस्ट्री ही चल रहा है, अभी इनोलेट ही हमारा न्यूक्लोफाइल है अभी तक। तो समझो यहाँ पे क्या होता है, फेवरस्काई रीअरेंजमेंट कहते हैं किसको है और इसमें क्या लिया जाता है। तो समझना, दिस इज द स्टोरी ऑफ अल्फा हेलो कीटोन। किसकी स्टोरी है ये, किसकी स्टोरी है? एक कीटोनों की, पर वो स्पेसिफिक कीटोन है जिसके पास अल्फा पोजिशंस पे हेलोजन लगे हुए हो, और जब उनको बेसिक कंडीशन में ट्रीट किया जाता है एज अ प्रेजेंट ऑफ बेस, तो वो रीअरेंज होकर के एक एस्टर में तब्दील हो जाते हैं। किसमें बन जाते हैं? कीटोन टू एस्टर। तो ये है ना, एक रीअरेंजमेंट प्रोसेस बनता है जिसमें एक कीटोन एक एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है, पर सारे कीटोन नहीं, वो स्पेसिफिक कीटोन जिसके अल्फा कार्बन पे हैलोजन लगे हुए हो, और याद रखिए उनके अल्फा कार्बन पे हैलोजन के साथ उनके पास एसिडिक हाइड्रोजन भी होना जरूरी है। क्या मैंने बोला आपको? दे मस्ट हैव एसिडिक हाइड्रोजन। यानी एसिडिक हाइड्रोजन मतलब क्या, जिसको एच बाहर निकाल करके हम इनोलेट बना सके। तो सारे अल्फा हेलो कीटोन्स ऐसी रिएक्शंस नहीं दिखाएंगे, कुछ ऐसे दिखाएंगे जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो देखो, जैसे एक एग्जांपल देखो यहाँ पे, जैसे वी हैव अ दिस कीटोन, अल्फा हेलो कीटोन है, अगर मैं NOMe को डालता हूँ तो ये कीटोन ना रीअरेंज होकर के यहाँ पे एक एस्टर बना देता है, तीन कार्बनों का एस्टर, तीन कार्बनों का कीटोन, लेस टू थ्री कार्बन ऑफ एस्टर। समझ रहे हो? यहाँ भी देखो अल्फा हेलो कीटोन है, और जैसे ही अल्फा हेलो कीटोन में एक बेस डालते हो तो ये भी, इसको एक सिक्स कार्बन का रिंग तो है, पर यहाँ रिंग फाइव मेंबर की बन जाएगी, पर टोटल कार्बन एटम तो सिक्स ही है ना, समझ रहे हो? तो ये भी एक एस्टर में तब्दील हो गया है। तो इसका मतलब एक अल्फा हेलो कीटोन को आप एस्टर में जब कन्वर्ट करते हो, दैट रीअरेंजमेंट इज टर्म्ड एज अ फेवरस्काई रीअरेंजमेंट। फिर सवाल ये उठता है, सर ये हुआ कैसे होगा, और हमें पता कैसे चलेगा एग्जाम में कि फेवरस्काई रीअरेंजमेंट हमें करानी होगी? तो इस बात का ख्याल रखेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे ना टोटल फाइव लेवल की बात करूँगा, बेसिक लेवल से लेकर के हाई लेवल की केमिस्ट्री तक यहाँ पे डिस्कस करूँगा मैं। इसलिए पहले इसको ढंग से देख लीजिए, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके लेवल वन की बात करूँगा। लेवल वन का मतलब क्या होगा, हमें एग्जाम में इसको पहचानना है, एंड देन आफ्टर इनके प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, उनकी मैकेनिज्म को समझना है कि क्या हुआ होगा कि इसमें रीअरेंजमेंट हो गई होगी। तो एक बात को थोड़ा सा ढंग से अगर आप समझे तो शायद इन चीज़ों को समझाना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। तो देखिए, अगर मैं फर्स्ट थिंग बात करूँ, द लेवल वन ऑफ फेवरस्काई रीअरेंजमेंट, और वो क्या होगा, जरा बोर्ड पे ध्यान से देखिए। इफ़ वी हैव अ कीटोन एंड इफ़ वी हैव अ अल्फा हेलो कीटोन, मान लीजिए यहाँ पे BR लगा हुआ है, एंड वी हैव NaOMe ग्रुप, फाइन। तो समझो इसकी मैकेनिज्म कहती क्या है, जरा समझना। अभी इससे पहले जब हम लोग रिएक्शंस पढ़ रहे थे, दैट इज़ अ हैलोफॉर्म रिएक्शंस, तो उसमें हमारा अल्फा हेलो कीटोन भी हुआ करता था, याद है? देखो देखो इसकी कनेक्टिविटी कैसे, लास्ट लेक्चर से है ना, अल्फा हेलो कीटोन है, बेस भी है, और अगर यहाँ पे हैलोजन होता तो ये कहीं हैलोफॉर्म रिएक्शंस में कन्वर्ट होने की कोशिश कर जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई हैलोजन नहीं दिया गया है,
इसका मतलब पहली बात तो ये समझ लीजिए, इस रिएक्शन की शुरुआत क्या होती है ना, ये एक ही मॉलिक्यूल की रिएक्शन है, इसमें कोई दूसरा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्या बोला मैंने? इसका मतलब यहाँ जो भी होना है सिंगल मॉलिक्यूल के साथ होना है। वी हैव अ सिंगल मॉलिक्यूल इन दिस सिस्टम, और अगर सिंगल मॉलिक्यूल के साथ ही जो रिएक्शंस होंगी दैट इज कॉल्ड इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शंस ही होने वाला है यहाँ पे। क्या बोला मैंने? वी हैव अ इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन। पहली बात तो ये समझ लीजिए। अब यहाँ जब एनोमी डालोगे तो वी हैव अ टू टाइप ऑफ हाइड्रोजन, और हमें पता है दैट हाइड्रोजन इज मोस्ट एसिडिक। ऑफकोर्स ये एसिडिक है, पर होगा क्या जरा सोचो, अगर इस एच को तुम बाहर निकालोगे तो इनोलेट ये बनेंगे। पक्का समझना, वी हैव दिस इनोलेट, और बनना भी चाहिए था ये। और यदि मैं इस एच को बाहर निकालूंगा तो इनोलेट हमारा ये बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? पॉसिबिलिटी इसकी भी तो है। अरे है ना यार, तो मेरी बात समझो, अगर ये इनोलेट मेरे पास है ना तो ये इनोलेट क्या होगा? इनएक्टिव इनोलेट है। इनएक्टिव यानी इससे कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इनोलेट क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता इसके साथ, इसके साथ अब कोई रिएक्शंस नहीं होगी। ये वापस जिस बेस में प्रोटॉन लिया है वापस से ये क्या करेगा, प्रोटोनेट होगा और अपने कीटोफॉर्म में चला जाएगा। मतलब ये अगर निकलता भी है तो इससे कोई रिएक्शंस पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो बोलोगे सर तो इससे क्या रिएक्शन पॉसिबल होगी? तो देखो, भले ही ये मेजर बन रहा होगा पर इसकी कोई रिएक्टिव मतलब इससे कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा है, ये वापस से अपने इनोल फॉर्म में कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो माइनर सिस्टम होते हैं ना, जो ये इनोलेट होता है, इसी से कहानी शुरू हो जाती है। वो क्या करता है देखो जरा, यहां से जब फाइनली जब आप रिएक्शंस को आगे बढ़ाते हो तो देखो इधर ये जो पाई बॉन्ड है ना और ये हैलोजन है तो ये वापस आता है। देखो इधर, पहला याद है सबसे हम लोगों ने अल्काइलेशन ऑफ इनोलेट पढ़ा था, याद है ना फर्स्ट चैप्टर। तो ये कार्बन आपके पास है, इसी से पाई बॉन्ड अटैक करता है, बीआर को लीव करा देता है। इसका मतलब तुम बोलोगे सर ये तो इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी, होती है। और जब ये इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी बताओ? 3 मेंबर की रिंग, और ये कीटोन बन जाएगा। और इसी को क्या बोलेंगे? साइक्लोप्रोपेनोन की रिंग बोलेंगे बेटा, पक्का बोलेंगे ना, साइक्लोप्रोपेनोन। यानी यहाँ पे जो हमारा पास सिस्टम बना है दैट इज अ साइक्लोप्रोपेनोन रिंग। क्या मेरी बात आप समझ पाए? तो यस, वी हैव अ साइक्लोप्रोपेनोन रिंग। पर बोलोगे सर थ्री मेंबर की रिंग बना दिया, कितनी गलत बात है ना यार, बिल्कुल गलत बात है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है जरा देखो, दिस इज द व्हाट यू कैन से अनस्टेबल रिंग, क्योंकि थ्री मेंबर की रिंग स्टेबल तो होती नहीं है। ये रिंग तो बना है पर ये ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं, ये इन सीटू एज इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। और उसके बाद देखो OMe आपके पास जो लगे हुए हैं वो फर्दर क्या करेंगे, कार्बोनिल पे अटैक मारते हैं, बॉन्ड ओपन होता है। और जैसे बॉन्ड ओपन होता है ओपे माइनस, यहाँ OPAMe, देखो जरा थोड़ा सा एबनॉर्मल रिएक्शंस तो है ये, पर इसके पीछे लॉजिक है। ये वापस आता है और इस बार अगर OMe को बाहर निकाले तो वापस यही कीटोन बन जाता है। पर रिंग कहती है कि रिंग की स्टेबिलिटी मैटर करने के लिए ये रिंग फ्रेगमेंट टूटती है, और जैसे रिंग टूटेगी बच्चा तो क्या बनेगा, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे आपके पास OMe, और यहाँ पे कार्बन पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, माइनस। और यही माइनस को फिर से क्या होगा, जिस बेस ने इसका प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया था उससे वापस इसको ट्रांसफर कर दो। और जैसे ट्रांसफर करोगे ये तो आपका एस्टर बन ही गया है, और यहाँ CH2 CH3 ग्रुप लग जाएगा। इसका मतलब देखो हुआ क्या, थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे एबनॉर्मल सी होती तो हैं, कि यहाँ पे पहली बात तो ये सिंगल मॉलिक्यूल की रिएक्शन थी, इंट्रा मॉलिक्यूलर है। और यहाँ पे क्या होता है ना, अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल कीटोन है तो हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव होता है जहाँ पे हैलोजन एब्सेंट है। यानी हाइड्रोजन अगर आप समझो तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम दैट कार्बन वेयर हैलोजन इज एबसेंट। क्या मेरी बात आप समझ पाए? यानी हैलोजन जहाँ एबसेंट है ना वहाँ से एच को आप बाहर निकालिए, और उस जे से अगर एच को बाहर निकालोगे तो नाइन वहाँ बनेगा, और वही इंट्रा मोलिकुलर सब्सटीट्यूट करके एक साइक्लोप्रोपेनॉन की रिंग बना देगा, और जो फ्रेगमेंट होकर के एक एस्टर में तब्दील हो जाएगा। तो इसका मतलब की स्टेप्स क्या क्या है जरा बताओ। पहला स्टेप, दिस इज द स्टेप वन, इसको आप क्या बोल सकते हो, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। क्यों भाई, ये आपका पहला स्टेप होगा, सब्सटीट्यूशन हो गई, यानी पहला स्टेप ये होगा, सेकंड स्टेप टू ये होगा। क्यों भाई, स्टेप टू व्हाट, इनोलेट बनाया अटैक किया, जैसे स्टेप टू ये कंप्लीट हुआ ये वापस करेगा, ये अटैक किया, और ये अटैक करने के बाद इस पूरे प्रोसेस को आप स्टेप थ्री बोल सकते हैं। क्यों भाई, दिस इज द थर्ड स्टेप। इसका मतलब
पहला स्टेप इनोलेट का बनना होता है, दूसरा स्टेप इनोलेट का अटैक होता है और उससे साइक्लोप्रोपेनॉन की रिंग बनती है, और तीसरे स्टेप में ये रिंग टूट करके एक एस्टर में कन्वर्ट होती है। दिस इज द फर्स्ट लेवल। बस हमें एग्जाम में पहचानना है कि अल्फा हेलोकीटोन है और एसिडिक हाइड्रोजन है, और यहाँ पे एनोएमी डाल करके या बेस डाल करके उसको रीअरेंज करा के एस्टर बनाया जा सकता है। तो दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ फेवरस्काई रीअरेंजमेंट। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? पक्का ना? आगे बढ़ते हैं। यस, वी हैव अ फर्स्ट स्टेप ऑफ फेवरस्काई रीअरेंजमेंट। आप बोलोगे सर मोर एसिडिक हाइड्रोजन क्यों नहीं लेके आप गए? लिख दो भैया, लेकर के चले भी जाओगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वहां से प्रोडक्ट बनने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। दैट्स व्हाई यहां पे हम रिएक्शंस को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, इसलिए जो माइनरी जो बनता है ना उसी से प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो रहा होता है। तो इस बात को समझ लीजिएगा। तो लेवल वन की बात कर रहा हूं मैं, जरा बोर्ड पे देखो, लेवल वन की स्टोरी चल रही है। अगर मेरे पास मान लीजिए वी हैव दिस कीटोन, इफ वी हैव दिस सीएल, इफ वी हैव एनएओईटी, क्या बोला मैंने, एनएओईटी, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? तुम बोलोगे सर पहला लेवल एग्जाम में पहचानने का, अच्छा ये अल्फा एलो एस्टर है क्या, अल्फा एलो कीटोन है क्या? यस, वी हैव अल्फा एलो कीटोन एंड वी हैव अ बेस, और ये क्या कर सकता है, एसिडिक हाइड्रोजन को ले जा सकता है, ये या ये? ऑफ कोर्स ये ज्यादा एसिडिक है, पर ले जाना इसको है क्योंकि अगर इसको लेके जाएंगे केवल इनोलेट बन के रह जाएगा, रिएक्शंस हो नहीं पाएगी। तब ऐसे केसेस में हमारा पहला स्टेप जो बना है दैट इज द इनोलेट फॉर्मेशन, और यहाँ पे जब इनोलेट बनना शुरू होगा अब कहानी बदलेगी। और क्या बदलेगी बताओ? ये वापस आएगा, बोर्ड पे देखना, ये अटैक यहाँ करेगा, सीएल बाहर निकला, और जैसे ही सीएल बाहर निकला व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर, व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर बताओ? सिक्स मेंबर की रिंग पहले साइक्लोप्रोपेनॉन में कन्वर्ट होगी, और अगर साइक्लोप्रोपेनॉन बन गया देन आफ्टर यहाँ फिर बताओ क्या होगा अगला स्टेप, एनएओईटी यहाँ लगा है, माइनस है यहाँ पे, अटैक हुआ, बॉन्ड ओपन हुआ, और जैसे बॉन्ड ओपन हुआ ये फ्रेगमेंट होने के लिए तैयार है, ओपे माइनस, यहाँ पे क्या है बच्चा बताओ, ओईटी है। अब ये वापस आएगा, अब कौन सा बॉन्ड, अभी दोनों में से कोई सा भी सिमेट्रिकल है कोई सा भी तोड़ देंगे, क्या दिक्कत है, कोई सा भी तोड़ दो। जैसे आप इसको तोड़ोगे वी हैव अ स्ट्रक्चर, एंड दैट स्ट्रक्चर जो आप बनाने वाले हो ये तुम्हारा बन गया है सी डबल बॉन्ड, यहाँ बना है ओ ई टी, और माइनस चार्ज की अगर मैं बात करूँ वो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, एंड दैट माइनस चार्ज लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट बताइए? ये माइनस है, फिर यहाँ से जो बेस ने प्रोटोन लिया था वो क्या था, इथेनॉल। आप मैकेनिज्म जब ड्रॉ करोगे एच को एक्सेप्ट करा देना, फाइव मेंबर की रिंग बन गई होगी, और कहीं ना कहीं यहाँ पे कहीं से भी लगा दो वी हैव अ एस्टर ग्रुप, वी हैव अ एस्टर ग्रुप। इसका मतलब सिंपल है ना यार, जब मेरे पास अल्फा एलो कीटोन आएगा और बता केवल बेस आएगा तो ये रिएक्शन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको फेवरस्काई रीअरेंजमेंट, और ये एक कीटोन से कन्वर्ट होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक एस्टर मॉलिक्यूल में। तो एग्जाम में पहचान लोगे, मैकेनिज्म जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं वो संभाल लोगे ना यार। चलो गुड, तो आगे बढ़े, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो इसी लेवल के क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, आप उसको सॉल्व खुद कर लीजिएगा क्योंकि ये सब चीज़ें आपको दिमाग में चलनी चाहिए। एग्ज़ाम में कोई बोलने नहीं आएगा कि ये फेवरस्काई रीअरेंजमेंट है, कोई नहीं बोलने आएगा आपको, एग्ज़ाम में खुद सोचना होगा कि क्या करवाना है यहाँ पे। पक्का समझ गए? पक्का समझ गए? अब इसी लेवल के क्वेश्चन लिखो। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया गया होता ये, इफ यू हैव अ कीटोन, दिस कीटोन वी हैव, एंड इफ वी हैव अ बी आर ग्रुप, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट इफ वी हैव एन ए ओ एम ई, क्या मेरी बात आप समझ गए? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, ए आपको बनाना है, शायद बना लोगे आप, कोई लफड़ा नहीं होगा। प्लीज़ इस लेवल का पहला क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, इसका मतलब फेवरस्काई को पहचानना कोई बड़ी बात तो है ही नहीं, आसानी से आप इसको पहचान लोगे। चलो गुड, अब इसको नोट कर लीजिए, आगे की ओर मैं बढ़ जाता हूँ। चलो वेरी गुड, अब मैं थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करूँ क्या? बेसिक समझ गए, तो लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, और वो लेवल थोड़ा सा इंक्रीज क्या होगा देखो, यानी वी आर डिस्कसिंग अबाउट लेवल टू, एंड द लेवल टू क्या होगा जरा देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए एक कीटोन दिया गया है, दैट इज अ कीटोन, और यहाँ पे मुझे मिल गया है एक CH3 ग्रुप, ठीक है पक्का, और यहाँ पे मेरे पास है NaOMe। चलो अब इस लेवल में क्या डिफरेंस होगा उसको समझते हैं। पहले सवाल, यहाँ अगर मैं NaOMe को डालता हूँ तो सवाल क्या होगा, इन दोनों H में से किसको लेके जाना है? ऑफ कोर्स दिस हाइड्रोजन,
क्योंकि इसी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है इसके पास। तो आप बोलोगे सर ये तो लेवल वन की तरह ही है। हाँ है ना, क्या दिक्कत है, एच को लेके जाओ, इनोलेट बनाओ, और जैसे ये इनोलेट बना वी एव सी एल, और ये वापस आएगा यहाँ से सी एल को अटैक कराओ, ये बाहर निकला, और जैसे बाहर निकला क्या बनेगा बताओ, वी हैव अ सी डबल बॉन्ड ओ एंड वी हैव अ साइक्लोप्रोपेन, और यहाँ पे क्या लगा है सी एच थ्री। कोई दिक्कत बोलोगे नहीं सर अभी तो लेवल वन की तरह ही चल रहा है, चल तो रहा है, लेकिन अगला स्टेप जरा बताओ, एन ए ओ एम ई वापस आएगा, एम ई ओ माइनस वापस आएगा, अटैक किया, बॉन्ड ओपन किया। बोलोगे अभी तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्या दिक्कत होने वाली है, लेकिन अब थोड़ा सोचो। अब इस स्टेप में वी हैव अ टू फॉर्म, दो तरीके बन जाएंगे रास्ते। बोलोगे कैसे, यहाँ पे ये जो बॉन्ड देख रहे हो इसका नाम मैंने ए लिखा है, इस बॉन्ड का नाम मैंने बी लिखा है, और अगर मान लीजिए बेटा मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूँ दैट बॉन्ड, तो क्या होगा, यहाँ पे मुझे बताओ स्ट्रक्चर क्या बनेगी, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ ओ एम ई, यहाँ सी एच थ्री, और माइनस चार्ज यहाँ बनेगा, पक्का। और किसी ने बोला नहीं सर एक बार बी बॉन्ड को ब्रेक करिए ना, तुम ही बताओ, अगर मैं बी बॉन्ड को ब्रेक करूं तो ये सी डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ ओ एम ई है, और इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे माइनस यहाँ लग जाएगा, पक्का माइनस यहाँ लगेगा। तो आप बोलोगे सर इन दोनों को अगर मैंने बॉन्ड को ब्रेक किया है दोनों अलग अलग प्रोडक्ट बनाएंगे, ऑफकोर्स बनाएंगे, तो हम किसको मानेंगे प्रोडक्ट। तो आप बताओ ना, सिंपल सी बात है, अगर आप इस बात को समझ रहे हो तो यहाँ पे वही बॉन्ड ब्रेक करेंगे जो मोर स्टेबल अनायन को बना रहे हो, यानी यहाँ पे आप इस बात का ध्यान रखेंगे बॉन्ड सी सी बॉन्ड, यानी अगर सी सी बॉन्ड ब्रेक करना है, ब्रेक करना है सी सी बॉन्ड ब्रेक करना है, और वो कौन सी तरफ से बॉन्ड होगा, विच गिव्स मोर स्टेबल कार्बन आयन, विच गिव मोर स्टेबल कार्ब अनायन। क्या हमारी बात आप समझ पाए, इसका मतलब क्या हुआ बच्चा बताओ, यहाँ माइनस चार्ज और यहाँ माइनस चार्ज, दोनों माइनस चार्ज में कौन ज्यादा स्टेबल है तुम बताओ ना, ये माइनस चार्ज 2 डिग्री अनायन है, मिथाइल ग्रुप इंडक्टिव से डिस्टेबलाइज करेगा, या मिथाइल ग्रुप इससे दूर है, और अगर दूर है तो इसकी डिस्टेबिलिटी कम लगेगी, यानी अनस्टेबल कम होगा, तो दोनों में से ये कार्बन आयन क्या हो गया, लेस स्टेबल कार्बन आयन हो गया, और अगर ये लेस स्टेबल हो गया और ये मोर स्टेबल कार्बन आयन हो गया तो इसका मतलब बॉन्ड किधर से ब्रेक करना पसंद करेगा, इधर की ओर से, और अगर इधर से और बॉन्ड ब्रेक करना पसंद करेगा तो एक बात मुझे बताइए, यहाँ मुझे प्रोटोनेशन करवानी पड़ेगी, वापस से यहाँ जो मिथेनॉल होगा वो आएगा, प्रोटोन इसका एक्सेप्ट करने के लिए कहेगा, और जैसे प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा हमारे पास एक मॉलिक्यूल ये बन जाएगा OMe, और यहाँ पे देखो ये तुम्हारा सी एस थ्री ग्रुप लग जाएगा, है ना, इसको अल्फा कार्बन सी एस थ्री लगा हुआ है, ये भी सी एस थ्री बन जाएगा, क्या दिक्कत है। और यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा उसको तुम बोलोगे सर ये तो माइनर बनेगा ना, एक दो तीन चार, चार कार्बन का चेन था, बना देना यहाँ पे, यहाँ OMe लगा देना और यहाँ पे CH3 को बना देना। यस वी हैव कीटोन, एंड इस कीटोन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, अल्फा एलो कीटोनों को एक एस्टर में, तो दोनों पॉसिबल होंगे, इसके नाम के आगे आपको लगाना होगा मेजर वन, इसके नाम के आगे लगाना होगा माइनर वन। क्या बात समझ पाए आप, पक्का समझ पाए, दैट इज द स्टेबिलिटी, दैट इज द प्रोडक्ट। तो इसका मतलब यहाँ पे लेवल टू क्यों बोला मैंने, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी बन सकती है और उन दोनों में से किसी एक को आपको मेजर बताना है, और वो मेजर वही बनेगा जिसकी स्टेबिलिटी अनायन बनाने की ज्यादा होगी। पक्का समझ गए, तो चलिए ये कहानी आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, दीज आर द स्ट्रक्चर्स वी हैव टू बी अंडरस्टैंड कि अनायन किधर बनाने हैं, एंड देन आफ्टर उस बॉन्ड को ब्रेक करना और उसी बॉन्ड को आपको फॉर्म करना होगा, जिस बॉन्ड तोड़ना होगा जिधर अनायन स्टेबल बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी लेवल में एक सवाल और करोगे क्या, कर लो जरा, क्या दिक्कत है। मान लीजिए वी हैव अ सिक्स मेंबर रिंग एंड वी हैव अ फिनाइल ग्रुप एंड वी हैव अ हैलोजन एटम, फाइन। यहां भी बताओ, इफ वी हैव अ कीटोन एंड इफ वी हैव अ फिनाइल ग्रुप एंड वी हैव अ हैलोजन एटम, व्हाट विल हैव टू डू, यहां NaOH, यहां NaOH, क्या इन दोनों में से लेवल टू में बताओ, क्या ये दोनों एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक प्रोडक्ट बनाएंगे, अलग अलग प्रोडक्ट बनाएंगे, ये सवाल MSQ में पूछा जा सकता है गेट और जेम में। तो बताओ इनमें से कौन से प्रोडक्ट एक जैसे बनाने वाले, क्या दोनों बनाएंगे, क्या बना के देखे एक बार, देखते हैं। बताओ यहाँ रिएक्शन कैसे चलेगी, इस एच को बाहर निकालना होगा, अटैक कराना होगा, अब मैकेनिज्म तुम्हें पता है ना यार, यानी यहाँ पे जब अटैक होगा कार्बोनिल बनेगा, सी डबल बॉन्ड ओ बनेगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा फिनाइल, और फिर OET यहाँ पे आएगा और OET माइनस का अटैक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, और जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा बताओ क्या होने वाला है, वी हैव अ
O माइनस, वी हैव अ ओ ई टी एंड वी हैव अ फिनाइल। अब तुम बताओ किधर से बॉन्ड को तोड़ना पसंद करोगे? अगर तुम इधर से तोड़ोगे तो कार्बनाइन बनेगा, और इधर से तोड़ोगे तो कार्बनाइन फिनाइल के पास बनेगा। और आपको पता है फिनाइल वाले कार्बनाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी बताइए? क्योंकि यहाँ जो माइनस चार्ज होगा ये डिलोकलाइज्ड होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, इसलिए आप इसको यहाँ से तोड़ेंगे। और एक बार आपने यहाँ से तोड़ दिया है तो फाइनली आपके पास स्ट्रक्चर अगर बनेगा, दैट इज़ द स्ट्रक्चर। इसको प्रोटोनेट कर देना, यहाँ फिनाइल हो गया, यहाँ पे आपके पास एस्टर मॉलिक्यूल बन गए। तो फिनाइल है, यहाँ मिथेनॉल होगा, मिथेनॉल बोले तो जो भी लिया है इथेनॉल है ना भाई, ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा यहाँ से तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो यस, यहाँ से तो ये प्रोडक्ट मिल रहा है। तो बोलोगे सर इसमें क्या मिलेगा ऐसा? तो बताओ यहाँ तो एच यहीं से बाहर निकालना होगा। अब यहाँ से बाहर निकाल के अटैक कराओगे, अटैक कराओगे तुम्हें बताओ, वी हैव अ कीटोन, वी हैव अ फिनाइल एंड वी हैव अ साइक्लोप्रोपेनॉन रिंग। तो एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे दोनों में एक ही रिंग बनी है कि नहीं? अरे दोनों में एक ही रिंग बन गई है ना। तो अगर एक ही रिंग, इंटरमीडिएट दोनों के साइक्लोप्रोपेनॉन के एक ही है पर रिएक्टेंट दोनों अलग अलग हैं, इसका मतलब यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ रहा हूँ OET- माइनस को लगा रहा हूँ तो वही कहानी होगी, अटैक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। और आप ही बताओ इसके स्ट्रक्चर बनाने की मुझे दोबारा ज़रूरत है क्या? ये दोबारा से वही मैकेनिज्म फॉलो कर जाएगा, और यही मैकेनिज्म फॉलो करेगा तो बॉन्ड यहीं से ब्रेक होगा, फिनाइल ग्रुप यहाँ लगा होगा, यहाँ पे OET बना होगा, है ना। आसान सी बात है कि यहाँ पे हमारे पास अनसिमेट्रिकल कीटोन्स हैं, और ऐसे केसेस में हम उसर तरीके से अनायन को बनाएंगे, जो अनायन ज़्यादा स्टेबल होगा यानी जो डिलोकलाइज्ड होगा उस अनायन को आपको फॉर्म करना होगा, तभी जाकर के आप प्रोडक्ट को आसानी से बना पाओगे। पक्का समझ गए? आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए सुनो, डाउन कर लीजिएगा, सिंपल सा सवाल है, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फेब्रस्काई रीअरेंजमेंट के सेकंड लेवल में हमारे यहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी कि दो चीज़ें हैं, दो तरीके से बॉन्ड टूट सकता है। हम उधर से तोड़ेंगे जिधर से स्टेबिलिटी हमारे अनायन की सबसे ज़्यादा होने वाली है। पक्का समझ गए होंगे आप? पक्का ना? चलिए गुड। अब मैं यहाँ पे लेवल थ्री की ओर जा रहा हूँ, लेवल थ्री। अब तुम बोलोगे सर लेवल थ्री में ऐसा क्या है, है ना, देखते हैं। देखो यहाँ पे लेवल थ्री में हमारे सामने क्या होगा, हमारे सामने दोनों तरीके पे, दोनों पे अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे। जैसे अल्फा कार्बन पे दोनों तरफ हैलोजन आ गए हैं, मान लो यहाँ भी हैलोजन है और यहाँ भी हैलोजन बना करके दिया गया है CH3Br। इफ वी हैव टू हैलोजन्स, देखो यहाँ पे NaOET, इफ वी हैव टू हैलोजन्स। तो आप बोलोगे सर अल्फा हेलो कीटोन तो है, अल्फा हेलो कीटोन तो है पर दो हैलोजन्स आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी ये फेब्रस्काई रीअरेंजमेंट जा सकता है, इसके पास अभी भी एसिडिक हाइड्रोजन है ना। देखो इधर पक्का है ना, चलो देखो, मान लो अभी मैंने यहाँ पे दोनों तरफ सिंपल सा सवाल स्टार्ट किया है। मान लो यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास Br यहाँ लगा हुआ है, तब तो ये दोनों तरफ से कहीं से भी H को ले जा सकता है अब, पक्का ना, क्योंकि यहाँ से ले जाओ, यहाँ से ले जाओ, इसको सब्सिट्यूट करने के लिए हैलोजन मौजूद हैं। तो इसका मतलब यहाँ से मैकेनिज्म कॉमन चलेगी इस लेवल में। देखो इधर माइनस बनाओ, अटैक कराओ, साइक्लोप्रोपेनॉन की रिंग बनेगी, पक्का। यहाँ पे आपके पास बना होगा Br। अब बोलोगे सर अगर दो एक थे तो एक निकलते के बाद ये नॉर्मल कीटोन बन जाता था साइक्लोप्रोपेनॉन, लेकिन अभी इसके पास अल्फा पोजिशन पर हैलोजन है। तो सुनो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होगा, OET वापस आएगा, लेवल वन की तरह काम चल रहा है, पक्का लेवल वन की तरह काम चल रहा है ना। यहाँ पे OP माइनस आ गया, यहाँ पे OET आ गया, और यहाँ पे आपका हैलोजन आ गया। अब सवाल ये कि अब ये वापस आए तो बॉन्ड किधर की ओर टूटे, तो जरा तुम बताओ, यानी लेवल टू की तरह क्रॉस करने वाला है। जी हाँ, यहाँ पे कहानी क्या होगी, सी डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OET, और अगर ये बॉन्ड टूटता है, देखो इधर ये बॉन्ड टूटता है तो माइनस यहाँ बनेगा जहाँ पे हैलोजन लगे हुए हैं वो, और यहाँ पे OET बन गया। और अगर ये बॉन्ड टूटा है तो यहाँ क्या होगा, देखो इधर सी डबल बॉन्ड O, यहाँ OET, यहाँ पे Br और यहाँ पे माइनस। फिर आप बोलोगे सर इन दोनों में से किसको बनाना है, तो सुनो यहाँ पे क्या पॉइंट है, अभी कार्बन पे माइनस चार्ज है, अगर मैं तोड़ूँ तो कार्बन पे माइनस चार्ज होगा, पर ये ऐसा चाहेगा, ये तो मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, तोड़ करके, ये तो बना रहा हूँ मैं तोड़ करके आपको एक एक स्टेप बता करके, लेकिन ये कंसर्टेन मैकेनिज्म की तरह होता है।
यहाँ पे माइनस चार्ज बना या यहाँ बना वो किस पे डिपेंड करेगा, देखो अगर यहाँ माइनस चार्ज बना तो ये हैलोजन को बाहर निकालने में काम आ सकता है। याद करो ईवन सीवी मैकेनिज्म की तरह, एक अनायन के बगल में लिविंग ग्रुप और वो उसको बाहर निकाल देगा, और ये बाहर निकालेगा, क्यों बाहर निकालेगा, क्योंकि बी आर पे माइनस ज़्यादा बेहतर है और इससे हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन जाएगा, तुम ही बताओ क्या बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड सी बन जाएगा, अल्किन बन जाएगी, और ये तुम्हारा एस्टर, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, बी आर माइनस। मतलब क्या हुआ देखो इधर, इसका मतलब यहाँ पे ये माइनस उधर की ओर बनता है ना इस केस में, या कह सकते हो वो बॉन्ड ब्रेक होगा जिससे बी आर को आप लीव करा सकते हैं, जिससे बी आर को आप लीव करा सकते हैं, रिंग भी टूट जाए और माइनस चार्ज इनडायरेक्टली किस पे चला जाए, कार्बन पे नहीं हैलोजन पे चला जाए। अरे समझ सकते हैं ना यार बात। तो इसका मतलब देखो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, अगर मैं इसको सिंपली आपसे बताऊं कि आप कैसे इसको डायरेक्टली कंसर्टेड मैनर में तोड़ सकते हैं, तो यहाँ बता देता हूँ मैं। देखो इधर, यहाँ आपने इसको समझा है ओ पे माइनस है, यहाँ पे ओ ई टी है, और यहाँ पे है आपका हैलोजन। तो बताओ ये वापस आया, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये बी आर बाहर निकल गया, तो ये फ्रेगमेंटेशन की तरह हो गया कि यहाँ से ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे टूट गए बताओ, इन दोनों के बीच आ गए और यहाँ पे अल्किन बन गई और बी आर यहाँ से बाहर निकल गया और ये एस्टर के फॉर्म में आ गया और बी आर माइनस बाहर निकल गया। तो एक तरीके से नहीं है ना, एक सिंगल स्टेप में ही हो जाता है ये, पर मैं इसको तोड़ करके समझा रहा हूँ ताकि आपको इस तरीके से प्रॉब्लम ना आए। तो जब बताओ दो हाइड्रो, जब तुम्हारे पास कभी भी किसी मॉलिक्यूल में ना दो हैलोजन आ जाते हैं तो आप क्या करने वाले होंगे, दोनों हैलोजन को बाहर निकालना आपका काम है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि कार्बन पे माइनस चार्ज बने उससे बेहतर कहाँ पे माइनस चार्ज बन जाए, ब्रोमीन पे, क्योंकि बी आर माइनस हैलोजन आर गुड टू एकोमोडेट माइनस चार्ज, साइज बड़ा होता है उनका। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, क्या ये बात आप समझ गए, पक्का समझ गए ना, पक्का ना यार। चलिए लेवल थ्री में ये बातें आप समझ गए होंगे, इफ़ वी हैव अ टू हैलोजन्स तो हम उस हैलोजन्स को कैसे बाहर निकालें। तो एक हैलोजन तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की वजह से बाहर निकल जाता है, और दूसरा हैलोजन्स को आप कह सकते हो वो तरीके से अल्कीन बनाने के लिए बाहर निकल जाता है, या फिर आप कह सकते हो माइनस चार्ज बी आर पे लाने के लिए बाहर निकलता है। तो मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि सर यहाँ पे मैंने इस तरीके का सवाल किया है, ये कीटोन है देखना, यहाँ पे बी आर और यहाँ पे बी आर लगा हुआ है पक्का, और यहाँ पे एन ए ओ ई टी दिया गया है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, कोई भी बना सकता है, शायद आप बना सकते हैं इस लेवल को, कर लीजिएगा ना ये पार्ट पक्का ना, सवाल सॉल्व कर लीजिएगा, इसको क्या प्रोडक्ट बनेगा मुझे बता दीजिएगा, दैट इज़ द प्रोडक्ट ए, प्लीज़ सॉल्व कर लेना बच्चा लोग आप लोग पक्का। अब मैं आपको सिखाता हूँ इसी लेवल में कहानी और क्या हो सकती है, दो हैलोजन से माइनस बनाना, अटैक कराना, अब बी आर को निकालने के लिए प्लीज़ ध्यान रखना कि अब उधर से आपको बॉन्ड तोड़ना है जिससे बी आर को लीव कराया जाए, तो ये डाइहेलो कंपाउंड्स हैं। तो अगर डाइहेलो कंपाउंड आपको दोनों तरफ अल्फा अल्फा पे मिले, ये केस अल्फा अल्फा वाला है, ये बना लोगे पक्का ना, गुड। अब मैं आपको एक केस इसी में बता रहा हूँ लेवल थ्री में भी, अगर डाइहेलो मॉलिक्यूल हैं पर इन डाइहेलो मॉलिक्यूल में क्या होगा ज़रा देखना, इफ़ डाइहेलो मॉलिक्यूल इस तरीके से है, यानी अल्फा और बीटा कार्बन पे हैलोजन्स दो लगे हुए हैं, दोनों अल्फा पे नहीं है बीटा पे हैं, और यहाँ पे NaOH आपको दिया गया है, क्या करोगे, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ से बताओ O- आएगा, एच पे अटैक करेगा, अगर एच पे अटैक किया तुम ही बताओ क्या करने वाले होंगे, इनोलेट की जगह कार्बन आयन बना दूँ जो रेजोनेंस करने वाला होगा, क्यों भाई ये बी आर यहाँ पे बी आर, और ये क्या करेगा इसको सब्स्टिट्यूट, और जैसे सब्स्टिट्यूट करेगा यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक सिक्स मेंबर की रिंग बन जाएगी, यहाँ साइक्लोप्रोपेनोन बन जाएगा, और जैसे ये लीव करेगा यहाँ पे आपका बी आर जनरेट हो जाएगा, और यहाँ पे जैसे बी आर जनरेट हुआ अब क्या होने वाला है ज़रा बताओ, अगर बी आर यहाँ जनरेट हुआ अटैक के बी आर माइनस बार हो गया, फिर आप क्या करते हो NOET सेम लेवल क्रॉस करना है, ओ माइनस का अटैक कराना है, बॉन्ड ओपन करना है, चलो बोर्ड पे देखते चलो, यहाँ पे आपके पास ओ पे माइनस है, यहाँ ओ ई टी है, यहाँ पे आपके पास हैलोजन लगे हुए हैं, अब बताओ क्या करोगे, किस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, अगर तुम इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे इस बॉन्ड को, तो क्या तुम कार हैलो इस नेगेटिव चार्ज को हैलोजन पे ला सकते हो क्या, अरे बताओ ये सी डबल बॉन्ड ओ ई टी हो गया, और यहाँ से जब बॉन्ड माइनस बना तो यहाँ पे आपको बी आर लगा हुआ मिलेगा। लेकिन अगर आपने इस बॉन्ड को ब्रेक किया है, देखो बेटा इस बॉन्ड के अलावा अगर आपने इस बॉन्ड को ब्रेक किया है, तो मैं तो डायरेक्टली अभी नहीं बता रहा हूँ, अभी आपको माइनस चार्ज से समझा रहा हूँ कि यहाँ पे अगर बॉन्ड को ब्रेक आपने भले किया है और माइनस चार्ज मानो यहाँ बना है, लेकिन ये क्या कर सकता है माइनस चार्ज,
इस बीआर को बाहर निकाल सकता है और इस बीआर को बाहर निकाल के आप क्या बना सकते हो, एस्टर, और यहाँ पे आपके पास अल्किन फॉर्म हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ जरा बोर्ड पे देखना, लास्ट में इसको तो यहाँ से बीआर बाहर निकलेगा, यहाँ तो माइनस को प्रोटोनेट करना पड़ेगा ना आपको, तो इसका मतलब अगर बीआर बीटा कार्बन पे भी है तो हमें कोई टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे आप इसको बॉन्ड को तोड़ोगे, माइनस बनाओगे एंड देन आफ्टर इसको लीव कराओगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी बीआर माइनस पे चार्ज, बीआर पे नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो अगर इनडायरेक्टली कोई सवाल को करता तो कैसे करता, यानी इस स्टेप को करने की ज़रूरत है नहीं, इसको मिटा दीजिए, काटा मारिए कि ये स्टेप हमें करना नहीं है, हमें हैलोजन को बाहर निकालने का वो स्टेप करना है जिससे हैलोजन बाहर निकल जाए। तो अगर इसी स्ट्रक्चर को मैं डायरेक्टली बनाता तो कैसे बनाता, देखो यहाँ पे आपके पास ओ पे माइनस था, यहाँ आपके पास ओ ई टी था, यहाँ पे आपके पास बी आर था, और अगर इस बी आर को आप यहाँ से बाहर निकालते ये आता, और यहाँ से बी आर बाहर निकालते वही बात हो गई ना, कंसर्टेड मैकेनिज्म की तरह, और जैसे इसको बनाते वी हैव दैट प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं होती, समझ गए, वही बन जाता ना यार। तो इसका मतलब लेवल थ्री में वी हैव टू हैलोजन्स, और दो हैलोजन्स अगर दिए गए हों तो हमें दोनों हैलोजनों को बाहर निकालने के बारे में सोचना होगा। तो ये बात आपको अपने जहन में डालनी होगी कि हमें अगर दो हैलोजन्स दिए गए हैं तो हम उस रिएक्शंस को कैसे कैसे आगे बढ़ाएं। पक्का समझ गए, चलो वेरी गुड, दिस द लेवल थ्री। लेवल थ्री समझ में आ गया, पक्का ना, चलो गुड। अब लेवल थ्री के अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि जरा लेवल फोर के बारे में बात करें, तो देखो लेवल थ्री क्रॉस कर चुके हैं हम लोग, पक्का ना समझ में आ गया होगा सब लोगों को, लेवल फोर, लेवल थ्री एंड देन आफ्टर लेवल फोर। अब मैं लेवल फोर में क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे ना आपको अल्फा हेलोकेटोन पहले प्रिपेयर करने होंगे, मतलब क्या हो गया बात, यहाँ आपको स्टार्टिंग मटेरियल पहले बनाना होगा और फिर उस स्टार्टिंग मटेरियल से आपको रिएक्शंस आगे करानी पड़ेगी, है ना कमाल की बात। कि यहाँ पे मान लीजिए आपके पास एक कीटोन दिया गया है और इस कीटोन के सामने आपको अल्फा हेलो कीटोन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास कीटोन है और अल्फा हेलो कीटोन आपको बनाना है तो वी हैव टू डू सम ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो अगर मैं एक कीटोन को एसिड के प्रेजेंस में ट्रीट करता हूँ, आप लोगों को कल का मैकेनिज्म पता होना चाहिए, इनोल एंड इनोल बनेंगे और इनोल से मोनो हैलोजिनेशन बन जाएगा, मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट। और अगर मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट बना है तो बताओ बच्चा लोग क्या होगा, यहाँ पे अगर यहाँ NO8 डाल दिया है तो अगला तो आप क्रॉस कर ही लोगे, यानी बताओ अगला प्रोडक्ट तो आप बना ही सकते हो। तो पहला स्ट्रक्चर क्या करना होगा, वी हैव टू सिंथेसाइज आवर अल्फा हेलो कीटोन्स, पक्का ना। और अगर इसमें दोबारा से Br2 एसिटिक एसिड डाल दिया होता, बोलता है एक्सेस में डाल दिया है, तब आप इसको किसमें कन्वर्ट कर देते बताओ, वी हैव टू फॉर्म दिस टू द डाइब्रोमो मॉलिक्यूल, किसमें कन्वर्ट कर देंगे, डाइब्रोमो में, यानी इधर से इनोल बनाएंगे, लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ मैं, इधर से इनोल बनाएंगे और इधर से आपको हैलोजन कराना पड़ेगा। तो अगर एक केवल ये दिया है तो रिएक्शन आगे बढ़ा देना, लेकिन यहाँ पे अगर मेंशन कर दिया हो एक्सेस में, बोल दिया हो, यदि एक्सेस में बोल दिया हो तो डाई हैलोजिनेशन करा देना दो बार, और अगर दो बार हैलोजिनेशन कराओगे तो दोनों अलग अलग हैलोजन पे लगेंगे, फिर इसकी मैकेनिज्म आपको पता है, अभी मैंने करवा दिया था लेवल थ्री में, आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, पक्का समझ गए हमारी बात को। तो आप पहले सिंथेसाइज करिए ना अल्फा हेलो कीटोन, फिर आफ्टर दैट उसको बना लीजिए। तो ये तो मैकेनिज्म कल का है, आप इसको जानते होंगे, इसके अलावा और क्या हो सकता है जरा बताओ, इसके अलावा हमारे पास और क्या चीज़ें हो सकती हैं जरा देखो। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, मान लीजिए वी हैव दिस कीटोन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, अगर मान लो दिया हुआ है और इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है Br2 CCl4 A एंड देन आफ्टर NaOMe B। तो बताओ ये लेवल थ्री का सवाल होगा या फोर का सवाल होगा, क्या आपको डाई हेलो कंपाउंड दिए गए बना करके, नहीं ना, और पर यहाँ पे आपको ब्रोमिनेशन करने के लिए Br2 दिया हुआ, पर देखो CCl4 है, बोर्ड पे ढंग से देखना, ये Br2 एसिटिक एसिड नहीं है, ये Br2 CCl4 है, और इसको आपने कहाँ पढ़ा याद है, अल्कीन में जब आप Br2 CCl4 को डाला करते थे तो यहाँ पे डाई ब्रोमो सिस्टम बनता था, याद है ना आप लोगों को, पक्का याद है, डाई ब्रोमो सिस्टम यहाँ पे मिलते थे, और ये डाई ब्रोमो सिस्टम आप एंटी एडिशंस का नाम दिया करते थे। तो वही कहानी यहाँ भी होगी, देखो जरा यहाँ पे आपको डाई हेलो कंपाउंड फॉर्म करना होगा, यहाँ पे यू मस्ट फॉर्म दिस डाई हेलो मॉलिक्यूल,
और अगर इसको बनाओगे तो ये तुम्हारा ब्रोमीन यहाँ लगा और एक ब्रोमीन यहाँ लग जाएगा। क्या मेरी बात आप समझ पाए? पक्का ना? अरे एल्कीन का एडिशन हो गया यार, और जैसे एल्कीन का एडिशन हो गया देन आफ्टर क्या है यहाँ पे? NaOH है, और जैसे NaOH है इसको क्या करोगे? रीअरेंज। पक्का कर लेंगे आप लोग? कर लेंगे ना यार। तो इसका मतलब NaOH डाला आपने, अटैक किया, अटैक हुआ, सबसे दोनों को सब्स्टिट्यूट करना है, ये भी और ये भी, और जब दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये रिंग कितने मेंबर की बन जाएगी? 5 मेंबर की, और एल्कीन फॉर्म हो जाएगा। ये भी सवाल आपको करवाया था मैंने। तो अगर मेरे पास स्टार्टिंग मटेरियल बना के नहीं दिया हुआ है तो क्या करना होगा? वी हैव टू सिंथेसाइज इट फर्स्ट। तो डाइब्रोमो बनाने के लिए वो Br2CCl4 डाल देगा या फिर नॉर्मल कीटोन देगा, Br2 एसिटिक एसिड एक्सेस में दे देगा। अगर एक्सेस में दिया तो डाई हेलो दोनों कार्बन कार्बन पे, अल्फा कार्बन पे लगेंगे, और अगर एल्कीन बना करके दिया है तो नॉर्मल एडिशन रिएक्शंस के थ्रू आप इसको आगे बढ़ा दोगे। पक्का ना? तो चलिए इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। पक्का नोट डाउन कर लीजिएगा? कर लीजिएगा नोट डाउन, आगे बढ़े नोट करिएगा इसको। गुड, चलिए, वेरी गुड। ये कहानी है सिंपली, आप इसको बना सकते हैं। वैसे देखो, अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन ये दिया गया होता, इसी लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, अगर मान लो यहाँ पे आपको दिया गया होता MgBr, और यहाँ पे मान लो आपको दिया गया होता CH3C OH पहला, तो क्या करते हैं आप लोग? सबसे पहले इस माइनस चार्ज का अटैक कराते, बॉन्ड ओपन करते, और यहाँ पे क्या बनाते CH3, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, इसको देखो यहाँ पे ओ पे माइनस बनता कि नहीं बनता, और यहाँ 1, 2, 3, 4 कार्बन थे, 1, 2, 3, 4, क्योंकि यहाँ से कार्बन का अटैक हुआ है। तो इसका मतलब पहले स्टेप में क्या किया? ग्रिग्नार्ड रिएक्शन हुआ, और ग्रिग्नार्ड रिएक्शन ने इस पर अटैक करके इसको ओ माइनस बना, इसी को अल्कोहल बना दो। देन आफ्टर ये तुम्हारा क्या बनाएगा? बी, मान लो यहाँ पे ऑक्सीडेशन CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड क्या करेगा? इसको ऑक्सीडाइज करेगा, और जैसे इसको ऑक्सीडाइज करेगा वी हैव अ कीटोन, और जैसे इसको बनाओगे ये कीटोन बना देगा। अब इस कीटोन को तुम Br2 एसिटिक एसिड डाल दो तो इससे इनोल इधर बनेगा। अरे एसिटिक एसिड अनसिमेट्रिकल है तो इनोल किधर बनाओगे? अगर इनोल बनाओगे तो इनोल इधर बनेगा और ब्रोमिन यहाँ लग जाएगा। पक्का याद है ना? एंड देन आफ्टर यहाँ NaOH डालोगे तो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, जैसे फेवरस का रीअरेंजमेंट। पक्का? और कोई अगर इधर भी बना देना गलती से, मान लो कोई क्या करे, कोई ये भी बना देगा, तो आपको पता है यहाँ भी अगर गलती से तुमने इसको बना भी दिया ना तो दोनों के प्रोडक्ट एक ही बनेंगे। देख लेना, ये दोनों हेलो अल्के कीटोनों के प्रोडक्ट एक ही बनते हैं। तो दीज आर द लेवल 4, जिसमें आपको सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को, अपने रिएक्टेंट को, यू हैव टू फॉर्म इट, आपको बनाना पड़ेगा, और जैसे आप उसको बनाओगे फिर जा करके उसको रीअरेंजमेंट के लिए आगे भेजना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूँ, उस सवालों को आप थोड़ा नोट डाउन करेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, उस सवालों को थोड़ा सा देख लेना, और वो सवाल क्या है देखो जरा। कुछ सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं एक्लेडन का, या फिर चलिए इस नोट कर लीजिए, दिस द लेवल 4। पक्का लेवल 4 में समझ में आ जाएगा आपको? ठीक है, तो कभी कीटोन बना करके दिए होंगे तो बना लेंगे, नहीं दिए होंगे तो नहीं बनाएंगे यार, क्या दिक्कत है, खुद बनाना पड़ेगा क्यों भाई? पक्का ना? अब जैसे एक्लेडन का ही अनसॉल्व एग्जाम्पल है, क्या कर लोगे आप? कर लेना इसको, है ना यार। ये आपके पास मॉलिक्यूल है, यहाँ पे आपके पास CH3 ग्रुप लगा हुआ था, और यहाँ पे आपको दिया गया है देखो फर्स्ट Br2, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है सॉल्वेंट, या CH2 सॉल्वेंट होता है, अगर नहीं दिया है तो मान लेना इथेनॉल, ETO माइनस इथेनॉल, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? तो मान लीजिए प्रोडक्ट आपको बोला गया है, क्या बनेगा जरा प्रोडक्ट बनाना, तो आप बताना कि विच प्रोडक्ट विल बी द फॉर्म, कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे बनने वाला है? CH3, यहाँ मान लो C OH है, और यहाँ पे आपको दिया गया है C CH2B, यहाँ पे आपको दिया गया है ऑप्शन में मान लो CH3 बना करके, यहाँ पे C OH, और प्रोडक्ट यहाँ बना करके दिया गया है C, यहाँ पे आपको बना करके दिया हुआ है C OH, और CH3 यहाँ पे है, और यहाँ पे आपको बना करके दिया गया है एंड द डी ऑप्शन इज़ दिस वन, यहाँ पे C OH, यहाँ पे अबव द प्लेन,
और यहाँ पे एल्कीन बना हुआ है, तो दैट विच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, इसको आप जरा मुझे बता देना। पक्का समझ गए? पक्का ना कर लोगे क्या? पक्का ना कर लेना। चलो अब आखिरी लेवल की बात कर लेते हैं। तो लेवल 4 तक हमने अल्फ़ा हेलोकीटोनों के बारे में बात कर लिया और उसी से हमारा प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया है। अगर नहीं दिया है तो उसको बना लेंगे, अगर दिया है तो नोट कर लेंगे उसको। चलो अब मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे रिएक्शंस ना जिसमें बेंज फेवरेस्काई रीअरेंजमेंट के प्रोडक्ट जो हैं वो हो सकता है आपको साइक्लोप्रोपेनॉन की रिंग आपको बना के दी गई हो। देखो यहाँ बेंज फेवरेस्काई प्रोडक्ट बना सकते हैं, उसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा, फेवरेस्काई जैसे प्रोडक्ट बनेंगे। इसी को मैं बता देता हूँ आपको, इसी को मैं लिख देता हूँ लेवल 5। क्या लिख देता हूँ इसको? लेवल 5, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में डायरेक्टली आपको कोई कीटोन बना करके दे दे साइक्लोप्रोपेनॉन और यहाँ आपको डाल दे OME ग्रुप, तो आप क्या करोगे? वही बात। या देखो ये तो फेवरेस्काई का इंटरमीडिएट बना था, अब इस इंटरमीडिएट को ओपन करने वाली स्टोरी बन जाती है ना, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं हम लोग। क्यों भाई? अब डायरेक्टली कर सकता हूँ ना मैं, तो यहाँ माइनस बनेगा और इस माइनस को वापस से प्रोटोनेट करके क्या बना देंगे? अल्कोहल। इसका मतलब ये जो हो गया एक एस्टर में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब एक साइक्लोप्रोपेनॉन की रिंग को हम एक एस्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं यदि उसमें कोई इथोक्साइड या मिथोक्साइड डाल देते हैं। तो मान लो साइक्लोप्रोपेनॉन की रिंग तो बना हुआ मिलना थोड़ा मुश्किल है, ये आपको क्या होगा? बनाना पड़ेगा। और साइक्लोप्रोपेनॉन की रिंग बनाने के लिए हम क्या क्या मेथड इस्तेमाल करते हैं जरा देखना बोर्ड पे। इस मेथड में सबसे पहला एक नॉर्मल मैं रिएक्शन बता रहा हूँ। देखो दो तरीके से आपको एग्जाम में ये दे सकता है, एक जिसमें आपके पास कीटीन हो, क्या हो? चलो कीटीन। और कीटीन में अगर मान लो CH2N2 आपको दिया गया है, क्या दिया हुआ है? चलो CH2N2। तो बताओ CH2N2 का काम क्या होता है? कार्बिन का सोर्स होता है कि नहीं? ये याद है, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। CH2N2 क्या करते हैं? N2 लीव कर जाते हैं, यहाँ क्या बनता है? कार्बिन। कार्बिन या सिमन स्मिथ रिएक्शन याद है? CH2I2 जिंक कॉपर, क्या याद है आपको कि नहीं याद है? बताओ, याद है ना? ये क्या करेगा? कार्बिन जनरेट करेंगे दोनों, ये कार्बिन जनरेट करेगा, और अगर कार्बिन जनरेट करेगा तो वो एल्कीनों पे अटैक कर जाता है। कार्बिन जैसे डाइक्लोरो, एक कार्बिन हो गया, और जैसे कार्बिन जनरेट होता है तो ये क्या बनाता है? आप ही बताओ, यहाँ पे क्या बन जाती है? एक ये दो, ये इससे इंटरेक्ट करता है, इंसर्शन रिएक्शन बोलते हैं इसको। अरे BSc में थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा यार, ये दोनों इंसर्शन कर जाएंगे और इंसर्शन करते हैं यहाँ क्या बन जाएगा? साइक्लोप्रोपेनॉन। और एक बार साइक्लोप्रोपेनॉन बन गया, फिर मान लो मिथेनॉल डाल दिया है, क्या करोगे? अटैक कराओगे, कराओगे ना? और जैसे अटैक कराओगे फिर वही कहानी बन जाएगी यार, फेवरेस्काई जैसे सिस्टम आ गए, बॉन्ड उधर से ब्रेक करेंगे जिधर स्टेबल आपके सामने मॉलिक्यूल बने, यहाँ पे आपके पास ये बनेगा, ये सी डबल बॉन्ड OME बनेगा। तो कभी कभी MSQ में क्वेश्चन आ सकता है, फेवरेस्काई के रीअरेंजमेंट दे देगा, अल्फा हेलोकीटोन दे देगा, उससे आपको रीअरेंज प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा और बोल देगा क्या इससे भी वही बनेंगे? तो आप बोलेगा कीटीन, कीटीन से डायाजोमीथेन, डायाजोमीथेन साइक्लोप्रोपेनॉन की रिंग बनाएगा, देन आफ्टर MOE डाल देगा और उससे भी प्रोडक्ट वही बन जाएगा, सिंपल। या CH2I2 जिंक कॉपर है, सिमन स्मिथ रिएक्शन, उससे भी आप क्या बना सकते हो? साइक्लोप्रोपेनॉन की रिंग बना सकते हो। इसका मतलब साइक्लोप्रोपेनॉन की रिंग आपको एज अ इंटरमीडिएट दे देगा और आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। क्या हमारी बात आप समझ गए? पक्का समझ गए ना? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और इस तरीके के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने आने चाहिए। चलिए भाई चलो, इसका मतलब फेवरेस्काई रीअरेंजमेंट में मैंने क्या क्या बातें आपको सिखा दी कि अल्फा हेलो कीटोन है जैसे इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस, अल्फा हाइड्रोजन अगर एक ब्रोमीन है तो उधर से एच को लेके जाना है, इधर से हाइड्रोजन एब्सेंट हो अटैक कराना है, रिंग ओपनिंग करानी है तो रीअरेंजमेंट करा के फाइनल स्ट्रक्चर आपको बना करके आ जाना है। तो सारे लेवल मैंने क्रॉस कर दिए हैं, सब कुछ का मैंने पॉइंट डिस्कस कर दिया है। तो देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चा लोग, समझ तो गए होंगे, अगर वीडियो ठीक लगा है, अच्छा खासा लगा है तो शेयर करिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू सो मच।